हॉलीवुड ने हमको एक से बढ़कर एक कई कमाल के कलाकार दिए हैं, जिन्होंने अपने टैलेंट के दम पर लाखों करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया है। आज हम एक ऐसे ही कमाल के एक्टर के बारे में बात करेंगे जिनके चाहने वालों की संख्या लाखों करोड़ों में है। इनकी ये फैन फॉलोइंग इनके नाम के चलते नहीं बल्कि काम के चलते बनी है, और इनके फैंस केवल एक देश में नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में देखने को मिल जाते हैं। हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक, इंसेप्शन, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, द ग्रेट गैट्सबी और द रेवेनेंट जैसी फिल्मों में काम कर चुके लियोनार्डो डिकैप्रियो के बारे में। लियोनार्डो डिकैप्रियो उन चुनिंदा हॉलीवुड एक्टर्स में से एक है जिनको भारत में भी काफी पसंद किया जाता है। आज लाखों करोड़ों लोग लियोनार्डो डिकैप्रियो को पसंद करते हैं और फॉलो करते हैं और उन्हीं के जैसा बनना भी चाहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इनकी सफलता तक का ये सफर कैसा रहा है और इनको यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है? अगर आप लियोनार्डो के सफर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। लियोनार्डो डिकैप्रियो का जन्म 11 नवंबर 1974 को कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में हुआ था। इनके पिता का नाम जॉर्ज डिकैप्रियो और माँ का नाम एर्मेलिन है। लियोनार्डो के पिता कॉमिक आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर थे, जबकि इनकी माँ पेशे से एक लीगल सेक्रेटरी थी। लियोनार्डो का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था, क्योंकि उनके जन्म के एक साल बाद ही उनके माता पिता अलग हो गए और फिर उनकी माँ को पैसे कमाने के लिए जगहें बदलनी पड़ी। अपने बचपन के अधिकतर समय लियोनार्डो जर्मनी में अपने नाना नानी के यहाँ रहे हैं। पिता से भले ही वह दूर रहे हों, पर इसके बावजूद भी वह अपने पिता के काफी करीब थे और लियोनार्डो के पिता ने ही उनको अपनी क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया था। लियोनार्डो बचपन से ही काफी मजाकिया किस्म के थे। वह अक्सर लोगों से अलग अलग मजाक और प्रैंक्स करते रहते थे। उनको लोगों की नकल करने में भी काफी मजा आता था और यह एक्टिंग के प्रति उनका पहला कदम था। किसी को क्या पता था कि लोगों की नकल करने वाला यह बच्चा आगे चलकर दुनिया का बेस्ट एक्टर बनेगा। वहीं इनकी पढ़ाई की बात करी जाए तो इन्होंने शुरुआती 4 साल लॉस एंजलिस सेंटर फॉर इंजीनियरिंग स्टडीज में पढ़ाई करी, जिसके बाद इन्होंने सीड्स एलिमेंट्री स्कूल ज्वाइन करा और उसके बाद हाई स्कूल के लिए जॉन मार्शल हाई स्कूल गए। यहाँ से सिर्फ उन्होंने एक डिप्लोमा हासिल करा। लियोनार्डो को पहली बार टीवी पर आने का मौका मिला जब वह महज 5 वर्ष के थे। वह रोमपर रूम के एक एपिसोड के लिए सेट पर मौजूद थे। यह 5 साल और उससे छोटे बच्चों से जुड़ी एक टीवी सीरीज थी, पर दुर्भाग्यवश उनको सेट से जाना पड़ा क्योंकि 5 साल की उम्र में भी वह काफी शरारती थे और उनके रहते हुए शूटिंग नहीं हो पा रही थी। बचपन में टीवी पर आने का मौका गंवाने के बाद उनको दोबारा टीवी पर आने का मौका मिला 14 वर्ष की उम्र में। उन्होंने मैच बॉक्स कार्स के लिए एक कमर्शियल बनाया। यह उनका पहला रोल था। इसके बाद वे कमर्शियल्स में रेगुलरली नजर आने लगे। 1989 में उन्होंने द न्यू लैजी नाम के एक शो के लिए 2 एपिसोड्स करे। 1990 में वे टेलीविजन पर भी काफी रेगुलर हो गए और कई अलग अलग टीवी शो जैसे द आउटसाइडर्स, सांता बारबरा और पेरेंटहुड में नजर आए। टीवी पर उनकी एक्टिंग को काफी सराहा गया और इसी के चलते उनको अपनी पहली फिल्म क्रिटर्स 3 में काम मिला। यह फिल्म 1991 में रिलीज करी गई। इससे लियोनार्डो की लोकप्रियता तो बढ़ी पर उतनी नहीं जिसके वह हकदार थे। आगे चलकर उन्होंने कई और टीवी शोज और फिल्मों में काम करा, पर उनको सही मायनों में व्हाट सीटिंग गिलबर्ट ग्रेप और रोमियो प्लस जूलियट में ही सफलता हाथ लगी। अब तो उनकी एक्टिंग को सब जान चुके थे और इसी के दम पर उनको 1997 में आई फिल्म टाइटैनिक में भी लीड रोल निभाने का मौका मिला। इस फिल्म का बजट $200 मिलियन से भी ज्यादा था और इसमें लियोनार्डो को कास्ट किया जाना ही बहुत बड़ी बात थी। यह फिल्म जब रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया और उस समय दुनिया की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म की सफलता ने लियोनार्डो डिकैप्रियो को भी हॉलीवुड के सबसे सफल एक्टर्स में शामिल कर दिया। इसके बाद उन्होंने कई और क्रिटिकली और कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्मों में काम करा, जैसे द एविएटर, ब्लड डायमंड और द डिपार्टेड। इन फिल्मों में किए गए काम के चलते उनको अकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन भी मिला, पर दुर्भाग्यवश वह इस अवार्ड को ना जीत सके। लगातार सफल फिल्में देने वाले लियोनार्डो डिकैप्रियो को पहली बार एकेडमी अवार्ड मिला 2015 में आई फिल्म द रेवेनेंट के लिए। लियोनार्डो डिकैप्रियो सिर्फ फिल्म्स में काम के चलते ही इतने पॉपुलर नहीं हैं, बल्कि वे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए भी काफी प्रयास करते हैं और अलग अलग माध्यम से इसे बचाने के लिए अवेयरनेस फैलाते रहते हैं, जो उनके शानदार व्यक्तित्व को दिखाता है। अभी लियोनार्डो डिकैप्रियो और ब्रैड पिट की वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड फिल्म रिलीज होने वाली है और हम उम्मीद करते हैं कि वह फिल्म भी उनकी पुरानी फिल्मों की तरह ही बहुत सफल होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं और अब आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद।